अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डॉक्टर दिया भाई वसीम ने, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असद सदीक और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस कर दो बेल आइकन के बटन को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं आया हुआ था रोड पर और यहाँ पर सिग्नल सही आते हैं। मैंने अपनी वीडियो अपलोड करनी थी वो की है, और जब भी अपना सामान सफाई की है उन्होंने अपनी दुकान की, वो निकाल के रश के फिर घर भेज रहे हैं। और ये सारी जैसे इन्होंने सफाई वगैरह कर दी है, तकरीबन सारा सामान आधा इन्होंने निकाल के बाहर घर भेज देंगे। घर पर जैस का नेटवर्क आता है, जोंग का तो वैसे ही बंद है जब से बारिशें हुई हैं, और जैस का नेटवर्क भी 3G आता है तो वीडियो अपलोड वगैरह नहीं होती उस पर। और वाईफाई भी बंद है, जो PTCL वालों का दफ्तर है उसके अंदर पानी है, तो उस वजह से वाईफाई बंद हफ्ता हो गया है। अच्छा, और अभी जब तो मैंने कहा कि फिटिंग यहाँ पर लगाते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर नहीं इस तरफ लगाते हैं, तो देखते हैं हमारी क्या सलाह बनती है, किधर लगाते हैं। मैंने तो बोला इधर लगाते हैं, क्योंकि ये सेटिंग वगैरह का सामान छोटा मोटा होता है इसमें रख देता है इधर, और पीछे जो ये सिस्टम है ये इधर तक फिटिंग आ जाएगी तकरीबन। A few moments later. और फाइनली डिसाइड हुआ है कि फिटिंग इस तरफ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से छत लीक नहीं होती और यहाँ से छत बहुत लीक होती है, और हैवी वो गत्ते की तो ये ख़राब हो जाएगी। ये जो पहली वाली फिटिंग लगी है ये कुछ लकड़ की है, तो ये बच गई है, तो पानी तो इनको भी लगा हुआ है, तो हमने डिसाइड किया कि इस तरफ ही लगाते हैं। और यहाँ से कुछ सामान बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे वो एयर कूलर बाहर निकाल दिया है, और ये जो कुछ आउटडोर है एसी के ये निकालने पड़ेंगे, कुछ ऊपर सामान पड़े उठा के बाहर रखते हैं और फिर फिटिंग लगाते हैं अब। और एक इंडोर हमने उतार दिया, और नीचे वाला जो पैनासोनिक का ये लगा हुआ था फिटिंग, इंशाल्लाह ये आ जाएगी इधर, अभी वो लगाते हैं फिटिंग फिर आपको दिखाते हैं। और अभी ये फिटिंग लगाने के लिए हम लगा रहे हैं स्पोर्ट्स, ये नीचे स्पुटे लगाते हैं फिर इसको फिटिंग को फिट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए फिटिंग हमने कितनी ज़बरदस्त फिट कर दी है, और बिल्कुल गुड हो गया। ऊपर से वो जो हेल्थ है वो भी उनको भी कील लग गए हैं, और नीचे से स्पोर्ट वगैरह ये भी सही है, अब ये गिरेगी नहीं, बिल्कुल फिट हो गई है। और टाइम हो रहा है मेरे वाली दुकान इन भाइयों ने ली है, उस्मान भाई ने, अभी फिटिंग इस दुकान में लगी है, यहाँ पर ये फिटिंग है, ये उतार की इस दुकान में लगाएंगे अभी ये। और ये स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, ये हमारे उस्ताद जी हैं इमरान उस्ताद। मैं जा रहा हूँ शहर मोबाइल शॉप पर, उधर वहाँ से लेना है आईफोन का अडाप्टर, जो पहला है मेरा अडाप्टर है वो ख़राब हो चुका है, अब वो चलते हैं और नया लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डॉक्टर दिया भाई वसीम ने, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मेन बाज़ार शहर का रोड है, और ये आगे बाज़ार को गली जाती है इस तरफ से, और ये हमारी अपनी कज़न की शॉप ही है, वहाँ से मैंने ये अडाप्टर के आगे लगता है स्विच, ये कुछ इस तरह का साकेट लेने था ये ले लिया है, अभी चार्जर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अभी लगा के चेक करते हैं कि सही काम करता है कि नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये था पुराना अडाप्टर, ये थोड़ा हिलता वगैरह है अंदर से, ये ख़राब हो चुका है, अब ये नया है, और ये लगा के चेक करते हैं कि ये सही काम करता है कि नहीं। शाम के हो रहे हैं 6, और अभी ये देखें हाई स्कूल के नीचे जो दीवारें हैं इसके जो नीचे गैप नज़र आ रहा है, पहले ये गैप नज़र नहीं आता था, इधर से भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी सूख गया है धूप लगने से, और इन बारिशों के बाद ये ट्रैक भी सारा बंद है, इस वजह से ये रश देखें ट्रैक पर कितनी आवाम आती जाती है, जैसे ये रोड बन गया है और रोडों पर पानी खड़ा है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में सूख गया था मेरा छोटा सा व्लॉग। और सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन के बटन को, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके।